की धरती का अंतिम छोर कन्याकुमारी, जो खूबसूरत समुद्र की नीली परत से घिरा हुआ है। जहाँ तक नजर उठाओ वहाँ तक ऐसा लगता है जैसे नीली रेशम चादर सिलवटों में सिमटी अपनी रंग बिखेर रही हो। समुद्र का कलकल करता पानी मन को सुकून देता है। तमिलनाडु के दक्षिण तट पर बसा कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल है। यहाँ आप दो समुद्रों के मिलने की खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ बहुत सी सुंदर जगह देख सकते हैं। तिरुवल्लुवर मूर्ति भारत की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक तिरुवल्लुवर मूर्ति की ऊंचाई 133 फीट है और इसका वजन 2000 टन है। पद्मनाभपुरम महल राजा त्रावणकोर द्वारा बनाई गई ये विशाल हवेली अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए बहुत मशहूर है। धार्मिक के साथ साथ यहाँ आप एक ऐतिहासिक महल भी देख सकते हैं। अमुमन मंदिर, ये मंदिर तीनों समुद्रों के संगम स्थल पर बना है जिसके कारण ये बेहद खास है। यहाँ सागर की लहरों की आवाज संगीत की तरह सुनाई देती है। नागराज मंदिर, नाग देवता को समर्पित ये मंदिर चीन की बुद्ध विहार की कारीगरी की याद दिलाता है। कन्याकुमारी का प्लान बनते समय इसे अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। कोर्टालम झरना, खूबसूरत मंदिर और ऐतिहासिक महल के साथ साथ यहाँ पर बहुत खूबसूरत झरना भी है। 167 मीटर ऊंचे इस झरने को औषधीय माना जाता है। कैसे जाएं? अगर आप फ्लाइट से कन्याकुमारी जा रहे हैं तो त्रिवेंद्रपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ सबसे नजदीक है, और अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं जो भारत के कई अहम शहरों से जुड़ा हुआ है।